हाँ जी, आवाज आ रही है? क्लियर है सबको आवाज? स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई ना? आ गई स्ट्रीमिंग, आ गई सबके फोन में आ गई? ठीक है, गुड मॉर्निंग, आवाज़ सबको क्लियर है? ठीक है जी, आवाज़ सबको क्लियर है ना? हाँ जी बोलो, आवाज़ क्लियर है? मतलब चैट पे लिखो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करें। ठीक है, आवाज़ सबको क्लियर है ना? लाइफ के बच्चों को अभी आवाज़ क्लियर है? ठीक है, लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का मतलब होता है बात को सुनना। जब हम क्या करते हैं, जब हम मैसेज भेजते हैं किसको, जब हम मैसेज भेजते हैं, सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को, तो रिसीवर का काम क्या होता है? फीडबैक देना। और वो कैसे देगा? विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग, हियरिंग एंड लिसनिंग, दोनों अलग 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 होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हियरिंग कहता है सुनना और लिसनिंग कहता है समझ के सुनना। ठीक है, अगर हम बाहर से ट्रैफिक की बात करते हैं तो वो होता है खाली हियरिंग, बच्चे के रोने की आवाज़, खाली हियरिंग। हम सुनना नहीं चाहते फिर भी हमें सुनना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं हियरिंग। और जब हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं लिसनिंग। हियरिंग हमेशा क्या होती है? पैसिव, और लिसनिंग हमेशा क्या होती है? एक्टिव। क्योंकि कहती है लिसनिंग कि हमें क्या होना चाहिए? फुली इन्वॉल्व। क्या होना चाहिए? फुली इन्वॉल्व। लिसनिंग, लिसनिंग इज नॉट कन्फ्यूज विद हियरिंग। लिसनिंग एक साइकिल, हियरिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसके अंदर आपके कानों में बात जाती है और एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कहते हैं इसके, ये जो है एक इनवॉलेंट्री एक्ट है, हम सुनना नहीं चाहते फिर भी हमें सुनना पड़ रहा है। ये जो है ऑटोमेटिकली आपके कानों में पहुंचती है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस जो हैपेंस ऑटोमेटिकली। लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग, क्योंकि लिसनिंग के अंदर एफर्ट्स चाहिए, फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, मेंटल और फिजिकल दोनों। कहते हैं अगर हम क्लास में बैठे हैं कि और तारों के बारे में सोच रहे हैं, बादल के बारे में सोच रहे हैं, अब दिवाली आ रही है उसके बारे में सोच रहे हैं, कौन कौन से कपड़े पहने हैं, कौन कौन से क्रैकर्स बर्न करने हैं, तो ये लिसनिंग नहीं होती।
खाली फिजिकली प्रेजेंट नहीं, मेंटली भी आपको प्रेजेंट होना है। ये कहता है इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंस। ये कहता है ये एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है, सामने वाला सुनना चाहता है, जैसे आप क्लास सुनना चाहते हैं। जब भी हम लिसनिंग की बात करते हैं, खाली पेइंग अटेंशन नॉट द स्टोरी, सामने वाला क्या बोल रहा है इस पे नहीं, इससे ज़्यादा आपको कैसे बोल रहा है, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब पे बात करनी है। तो जब भी हम लिसनिंग करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, जो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था, दोनों चीज़ें समझनी हैं। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें समझ के आपको लिसनिंग करनी है। लिसनिंग कहता है कि लिसनिंग स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड होती है स्पीकिंग से। इससे ज़्यादा अगर आप लिसनिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बोलना कम करना पड़ेगा। बोथ आर नेचुरल की टू कम्युनिकेशन। कहते हैं कि इसके अंदर स्किल जो है बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है और हियरिंग एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव लिसनिंग जो डिस्क्राइब करती है फुली इन्वॉल्व को, फुली का मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। ठीक है जी, कहते हैं अ पर्सन में मेंटली प्रेजेंट बट इमोशनली डिस्टर्ब, वो लिसनिंग नहीं कर सकता। फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम बट मेंटली एब्सेंट। जब टीचर कहती है कि शी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टू अ स्टूडेंट, तो जो साइकोलॉजिकली वीक होते हैं वो इधर उधर फेसेस बनानी शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी, टू लिसन सिंपल मीन्स गिविंग अटेंशन टू साउंड और एक्शन। इनफैक्ट इफेक्टिव लिसनिंग कहती है कि मैं एक प्रोसेस हूँ जिसके अंदर मुझे सब चीज़ें समझ के जानी है, सब चीज़ें समझनी है, सब चीज़ें करनी है। कहता है कि लिसनिंग स्किल रिसीविंग है। कहता है कि मैं कान और नाक, सॉरी कान और आँख दोनों को फोकस करके हुए बात समझता हूँ। मैं खाली सुनता नहीं हूँ, मैं देखता भी हूँ। कहते हैं इसके अंदर 3 P है। कौन कौन से 3 P होते हैं जल्दी बताओ। और लिसनिंग स्किल कैसे आती है? 3 चीजें, और लास्ट में पढ़ाया था विलिंगनेस। तो 3 चीजें, प्रैक्टिस, पेशेंस और विलिंगनेस। मैं रोज प्रैक्टिस करूँ सुनने की, मेरे अंदर पेशेंस होनी चाहिए सुनने की, मेरी क्षमता है कि मैं सुनना चाहती हूँ। तो प्रैक्टिस, पेशेंस एंड विलिंगनेस। कहता है गुड लिसनिंग स्किल इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप। ये मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के साथ होती है। तो लिसनिंग स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, कोई ह्यूमन पैदा होता है, तो उसकी लाइफ में क्या आता है? लिसनिंग। पहले वो सुनता है, फिर ही वो बोलता है। और लिसनिंग और हियरिंग दोनों डिफरेंट है। हियरिंग बेसिकली खाली फिजिकल एक्टिविटी है, हम सुन रहे हैं पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं। पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, हम सुन रहे हैं पर दिमाग तो नहीं लगा रहे। ठीक है जी, कहते हैं लिसनिंग और हियरिंग। लिसनिंग जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करती है। कहती है कि किस तरीके से मुझे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे ध्यान देना है। ये पैसिव नहीं है तो कौन सा है? ये एक्टिव प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ये कहती है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। कौन कहती है? लिसनिंग। ये क्या है? एक्टिव। और इसके अंदर क्या होना चाहिए? फुली इन्वॉल्व। बट अगर जब हम हियरिंग की बात करते हैं, हियरिंग कहता है खाली कानों तक बात पहुंचना। क्या कहता है? खाली कानों तक बात पहुंचना। इसमें मुझे नहीं पता, ये फिजिकल प्रोसेस है, मैं खाली सुन रही हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, इसके अंदर जैसे कि ट्रैफिक का शोर, नॉइस पोल्यूशन, मैं सुनना नहीं चाहती फिर भी मैं सुन रही हूँ। पर्पस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग क्यों करनी है? लिसनिंग इसलिए करनी है ताकि हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके। क्यों करनी होती है? ताकि हमारी बातचीत इम्प्रूव हो सके।
अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ताकि हम सामने वाले के पॉइंट को, सामने वाला कौन, स्पीकर के पॉइंट को अच्छे से समझ पाए, क्या बोला जा रहा है उस पर ध्यान दे पाए, कैसे बोला जा रहा है उस पर ध्यान दे पाए, क्या इंटरेस्ट है, क्या कंसर्न है, क्या कंसंट्रेशन है। स्पीकर प्रॉपरली कम्युनिकेट तब कर पाएगा जब सामने वाला जो रिसीवर है वो प्रॉपरली सुनेगा। ये कहता है सेल्फिशनेस अप्रोच, ये कहता है शेयर्ड एंड एग्रीड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल, कोई शॉर्टकट था? क्या शॉर्टकट था? डियर, बेस्ट, सी डी एस। डी से क्या है? डिस्क्रिमिनेटिव। ई से क्या है? इवैल्यूएटिव। ए से क्या है? एप्रिशिएट। आर से रिलेशनशिप। बी से बाइस्ड। ई से एम्फेसाइज। एस से सिंपथी। टी से थेरेपी। सी से कॉम्प्रिहेंसिव। डी से, हाँ जी, डायलॉग। और एस से सिलेक्टिव लिसनिंग। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। कहते हैं यूट्यूब पे सबको समझ आ रहा है, लाइव पे जितने बच्चे जुड़े हैं, हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, बट मैं तब यूज़ होता हूँ जब ना ही मुझे किसी की भाषा समझ आती है और ना ही मैं किसी का कल्चर जानता हूँ। ठीक है जी। मैं किसी कंट्री में गई हूँ, बस उसकी वर्बल लैंग्वेज, उसकी टोन से मैं समझ पा रही हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में आप एक स्टार्टिंग के टाइम पे आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती और आप सामने वाले को डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसके बेसिस पे आप काम को समझते हो। कहते हैं पर्सन फ्रॉम वन कंट्री फाइंड डिफिकल्ट टू स्पीक अनदर लैंग्वेज परफेक्टली। हम सिर्फ सामने वाले के साउंड से क्या बोल रहा है उसको समझ पाते हैं, इसलिए ये विजुअल और ऑडिटरी होती है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मसल और स्केलेटल। मसल मतलब पार और स्केलेटल मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हम जब पंजाबी गाना सुनते हैं हमें पंजाबी नहीं आती है, बट हम उसकी बीट से समझ जाते हैं कि बहुत हैप्पी सॉन्ग है या फिर सैड सॉन्ग है। ठीक है जी। तो विजुअल ऑडिटरी मसल एंड स्केलेटल की बात करता है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या कहती है? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कहती है कि मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। डिस्क्रिमिनेटिव साउंड एंड साइट की बात करती है। ठीक है जी। पर कॉम्प्रिहेंसिव कहती है कि मुझे सारे लेक्सन मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स पता है, सारे रूल्स पता है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सब चीजें पता है। द सेम इज ट्रू ऑफ कोर्स फॉर द विजुअल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हमें सारी चीजें, सब चीजों की नॉलेज है, इसलिए इसको कंटेंट इंफॉर्मेटिव और फुल लिसनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेंट इंफॉर्मेटिव एंड फुल लिसनिंग। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? जब मुझे सब चीजें पता होंगी तो मैं सामने वाले को इवैल्यूएट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसीलिए इसमें कौन सी लिसनिंग आती है? क्रिटिकल लिसनिंग, जिसमें मैं सामने वाले को जज और क्या बोला जा रहा है उसकी बात करती हूँ। कहते हैं व्हाट इज बीइंग सेड रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज रूल्स, और किस हिसाब से सामने वाला बोल रहा है मैं उसको जज कर
करती हूँ, कहते हैं बायस लिस्निंग। बायस लिस्निंग, बायस्ड, बायस्ड कब होती है? लिसनिंग हैपन व्हेन पर्सन हियर, जब वो जो सुनना चाहते हैं वही हम सुना रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप गर्ल हो, आप नहीं पढ़ना, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बायस्ड हूँ। अगर कोई लड़की पढ़ रही होगी तो ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बट अगर मेरी थिंकिंग ऐसी है, नहीं, हर लड़की को पढ़ना चाहिए, तो मैं किस, अगर कोई लड़की मेरे पास आएगी कहेगी नहीं जी मुझे तो नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ शादी करनी है, मेरा एम ही है ये। लड़का कहेगा मुझे तो नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ शादी करनी है, मेरे घर वालों के पास बहुत पैसा है, फोकस ही हमारा बचपन से शादी करने का है, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बायस्ड हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी सोच क्या है कि मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे पहले क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? आपको अपने पैरों पे स्टैंड होना, ठीक है जी। तो ये क्या होता है? बायस लिसनिंग, जो मैं सुनना चाहती हूँ मैं वैसे ही लोगों से कम्युनिकेट करूँगी। अगर कोई मेरे अगेंस्ट, थॉट के अगेंस्ट बात करता है तो मैं वैसे कम्युनिकेट नहीं करूँगी। तो ये इवेल्युएटिव इन नेचर होती है, मैं एकदम से जज कर लेती हूँ, अरे ये क्या बात हुई, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, तो ये कैसी होती है? इवेल्युएटिव इन नेचर। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिव लिसनिंग, जो सामने वाले को क्या करती है? जज। वो तभी जज कर पाती है जब वो कहती है कि मेरे को खुद सारी नॉलेज है, तभी मैं सामने वाले को क्या कर लूंगी? जज, ठीक है जी। इसको क्रिटिकल, जजमेंटल और इंटरप्रिटेटिव लिसनिंग कहते हैं। अप्रिशिएट, जब हम किसी से बात करते हैं, अपने गोल्स अचीव करते हैं, हम जब अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं? अप्रिशिएट। सिंपैथी लिसनिंग, मैं अपने फ्रेंड्स को सिंपैथी दे रही हूँ, कोई नहीं पढ़ ले, अभी भी बहुत टाइम है, मैंने तो पढ़ लिया, तू भी पढ़ ले, पास हो जाएंगे, तो मैं क्या कह रही हूँ? सिंपैथी। एम्पैथी कहता है यार मैंने भी नहीं पढ़ा, तू भी क्या करेगा पढ़ के। दोनों सेम सिचुएशन में है, ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरे को पढ़ने देंगे। एम्पैथी कहता है कि एग्जैक्ट फील करना, और सिंपैथी कहता है एग्जैक्ट फील करना नहीं, सिंपैथी क्या कहता है? कि कंसर्न शो करना, ठीक है जी। तो सिंपैथी कहता है केयर शो करना, वेयर एज एम्पैथी कहता है सिंपैथी से ज्यादा सामने वाले की फीलिंग को समझना। वी एक्चुअली फील व्हाट दे आर फीलिंग। थेरेपिस्ट लिसनिंग, जब मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ, अपनी बात बोलती हूँ, उसको कोई कंसर्न नहीं होता कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब वो मुझे जज नहीं करता, वो सिर्फ मेरी बात सुनता है और मेरे को डायरेक्शन देता है। जैसे कि आप मेरे पास आए, मैं कोई आपकी रिलेटिव तो नहीं हूँ, आप मेरे साथ कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई शेयर कर रहे हो प्रॉब्लम, और मैं आपको जज नहीं कर रही, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन भी नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दूंगी, मैं आपकी बात को डाइवर्ट कर दूंगी, मैं कहूँगी खुद सोचो क्या होना चाहिए। अब आपने अपने मन की बात बाहर निकाल दी, आधी प्रॉब्लम तो ऐसी सॉल्व हो गई। जब तक हम बात मन से बाहर नहीं निकालते, तब तक प्रॉब्लम अंदर ही रहती है, और ये मन से बात निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? थेरेपिस्ट लिसनिंग। कहता है कि इसका इम्फेसाइजिंग पर्पस नहीं होता, ये अंडरस्टैंड करता है, चेंज करता है, डेवलप करता है। ये कहता है कि मैं सिचुएशन को समझता हूँ, ना ही किसी को जज करता हूँ, और ना ही किसी के लिए गलत सोचता। नेक्स्ट इज क्रिटिकल डायलॉग थिंकिंग। डायलॉग कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। डिया मतलब थ्रू, लोगोस मतलब वर्ड। जब हम शब्दों के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू अपने बातचीत करते हैं, जैसे कि शाहरुख खान ने बोला था कि 11 मुल्कों की डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, डायलॉग है ना, वो सामने ही सामने किसको चैलेंज कर रहा है? पुलिस को, कि पकड़ कर दिखाओ, बट उसने क्या किया? डायलॉग मारा, ठीक है जी। तो ये होता है रिलेशनल लिसनिंग। रिलेशनशिप लिसनिंग, रिलेशनशिप लिसनिंग कहता है कि जब मैं बहुत अपनी क्लोज बात किसी से शेयर करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट है। जैसे कि कस्टमर और सेल्स वाले पर्सन, मैं उसी से ही सामान खरीदूंगी जिस पे मुझे भरोसा होगा कि हाँ भैया कोई दिक्कत हो गई तो मेरे टाइम पे फटाफट हाजिर हो जाएगा। सिलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं नेगेटिव लिसनिंग, मैं सिर्फ मुद्दे की बात सुनना चाहती हूँ, इधर उधर की बात मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ काम की काम बात करेंगे,
फालतू बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बाइज्ड होते हैं, इनको इमोशन से कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग कहती है कि एक लिसनर एक्टिव तो होना चाहिए, बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। कैसे होगा इफेक्टिव? जब वो फुली प्रेजेंट होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजी। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ लिसनर, शॉर्टकट, एम्पल। एम्पल से एक्टिव, मार्जिनल, पैसिव, नॉन लिसनर, इवैल्यूएटिव, है ना। पैसिव कभी भी लिसनर नहीं होता, क्योंकि ये क्या होती है, हियरिंग। ठीक है जी। पैसिव क्या होती है, हियरिंग। पैसिव क्या होती है, हियरिंग। ठीक है जी। एक्टिव लिसनर, एक्टिव लिसनर वो होता है जो फोकस रहता है, हर चीज समझता है, खाली वर्बल की नॉन वर्बल भी दोनों। वो स्पीकर को केयर से देखता है, स्पीकर को ध्यान से देखता है, स्पीकर को समझता है और सिचुएशन हैंडल करता है। इसमें म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट। क्या इसमें फीडबैक आता है? हाँ जी। क्या इसमें फीडबैक आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है जी। लिसनिंग पैसिव कौन सा होता है? क्या पैसिव को लिसनिंग बोलते हैं, हेयरिंग बोलते हैं? पैसिव क्या होता है, हेयरिंग। ठीक है जी। कहता है कि मैं जो हूँ सिर्फ सुनना चाहता हूँ, समझना नहीं चाहता। पैसिव लिसनिंग इज नॉट एक्चुअली हेयरिंग, नॉट लिसनिंग। ठीक है जी। नॉन लिसनर, नॉन लिसनर कहते हैं कि नॉन लिसनर डू नॉट लिसन टू ऑल बिकॉज दे आर जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड। वो नहीं सुनना चाहते। ठीक है जी। वो दिखाते हैं कि हम सुन रहे हैं, पर हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया में बहुत काम है। हम क्लास में सुन तो रहे हैं, पर हमें ये भी याद रखना है कि क्लास खत्म होते हमें कहाँ पार्टी करने जाना है, कहाँ घूमने जाना है। बैठे तो हैं क्लास में और शो भी ऐसे करते हैं कि सब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, मैम आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, सब एकदम सब बढ़िया, पर जब क्वेश्चन पूछो तो बस। ऐसे लिसनर्स में ईगो बहुत होती है। जरा सा उनको डांट दो तो वो क्या कहते हैं, मैम ने हमें डांटा कैसे, ऐसे कैसे बोल दिया मैम ने, मैम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम तो ऐसे नहीं हैं, ये तो वो नहीं है। तो ऐसे लोगों में ईगो बहुत होती है। ये सुनने में एफर्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं हमें सब आता है, आपसे ज़्यादा आता है। आई अंडरस्टैंड, आई नो एंड एक्चुअली डू नॉट नो एनी थिंग एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मैं पूछूंगी आता है, मैम बहुत बढ़िया से आता है, आप कुछ भी पूछना, बस अभी मत पूछना। ठीक है जी। मार्जिनल लिसनर, मार्जिनल लिसनर कहते हैं कि मैं सिर्फ बॉटम लाइन की बात करता हूँ, मुझे नहीं जाना कोई आर्गुमेंट में, मुझे कोई फालतू बात नहीं करनी, मुद्दे की बात करें और काम से काम अपना करें। इनके अंदर पेशेंस नहीं होती। ठीक है जी। ये फटाफट कॉन्क्लूजन में पहुंच जाते हैं, इसीलिए ये कहते हैं आई एम मार्जिनल लिसनर। ठीक है जी। इसको बोलते हैं सुपरफिशियल अटेंशन। इनको फालतू चीज़ों की बात नहीं करनी होती, इनको इनको हम सुपरफिशियल लिसनर्स भी बोलते हैं, अगर पेपर में आए तो ध्यान रखना। ठीक है जी। इवैल्यूएटिव लिसनर, इवैल्यूएटिव लिसनर कौन से होते हैं, जो वर्बल कंटेंट के बेसिस पे जज करते हैं, उन्हें बॉडी लैंग्वेज, तुमने ऐसी बात बोली कैसे, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब से कोई मतलब नहीं है, शब्दों से मतलब है, तुमने ऐसी बात बोली भी कैसे,
अरे सुन तो सही, सिचुएशन ऐसी हो गई थी। नहीं भाई नहीं, तूने ऐसी बात बोली कैसे? तो ये बोलते हैं इवैल्यूएटिव। इनको कोई सेंसिटिव नहीं होते, कोई एम्पैथी नहीं होती है इनके अंदर। इनको अगर गलत है बस बात को पकड़ के बैठे रहेंगे और लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे। ठीक है जी, दे आर बाइस्ड। और ये मान लेते हैं कि जब भी कोई ऐसा स्पीकर आएगा तो ये ऐसा ही बोल के जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव लिसनर, करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव लिसनर क्या बोलते हैं कि एक्टिव लिसनर बहुत सीरियस प्रोसेस है कम्युनिकेशन के। ये स्पीकर को समझते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, बायस नहीं होते और चीज़ों को समझ के मैक्सिमम एनर्जी के साथ क्लास लेते हैं, चीज़ें समझते हैं, उनकी आई लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन सबको समझते हैं। बट एक्टिव लिसनर्स को 8 फंडामेंटल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। कितने? 8। इसका शॉर्टकट क्या है? डिपर्स। इसका शॉर्टकट क्या है? यही है। ठीक है जी, डी से क्या है? डिसइंटरेस्टेड। ठीक है जी, आई से क्या है? पी से क्या है? और एक और आई से क्या है? एक और आई से क्या है? इंटॉलरेंस। और पी से क्या है? और आगे ई से क्या है? जल्दी बोलो। और ई आर से क्या है? ठीक है जी, क्लियर। एस से क्या है? नेगेटिविटी टूवर्ड्स द स्पीकर, क्लियर। क्या रह गया? क्या रह गया? इफिडेंस। ठीक है जी, डिफिडेंस। क्या रह गया? डिफिडेंस। क्या रह गया? डिफिडेंस। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस कहते हैं कि अगर आप सामने वाले की बात नहीं समझ पा रहे, वो क्या बोलना चाह रहा है, तो आप एक्टिव लिसनर नहीं कहला सकते, क्योंकि आपको उसकी वोकैबुलरी, उसकी टोन, उसकी प्रोनंसिएशन समझ नहीं आ रही। आप पार्शियल लिसनर हैं, आप काम करते सुनते सुनते कभी पेन को ऐसे कर रहे हैं, कभी नेल्स बाइट कर रहे हैं, कभी यॉनिंग कर रहे हैं, कभी कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? पार्शल लिसनर। आप डिसइंटरेस्टेड हैं। आप जैसे सुनेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट है, बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, पर मैं सुनूंगी नहीं, तो आप एक्टिव लिसनर नहीं हो सकते। आप पहले ही, आपको पता चल जाए कि कोई स्पीकर ऐसा आ रहा है जो मुझे, जिसके बारे में नहीं सुनना, आप उसको जज कर लेंगे और उसकी बात नहीं सुनेंगे और आप एक्टिव लिसनर नहीं होंगे। आप नेगेटिव टूवर्ड स्पीकर हैं, आपका माइंडसेट है कि कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो हमेशा इतनी ऐसे बोलता है कि कुछ समझ आती ही नहीं है, तो हम इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली अपना माइंड सेट कर लेंगे कि हमें उसकी बात नहीं सुननी है, और हम क्या करेंगे, उसको इंसल्ट करना और ह्यूमिलेट करना शुरू कर देंगे। और हमारे अंदर एटीट्यूड है कि हमें सब पता है, इसलिए हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं डिफेंडिस। ठीक है जी, तो हमें सब पता है, हम किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते, तो हम क्या हो गए? एक्टिव लिसनर हुए, पैसिव लिसनर हुए? पैसिव। हमें इनटॉलरेंस, हमसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, हमारे पैरों में व्हील्स लगे हैं, क्योंकि एक जगह बैठते हैं तो हमें थकान होती है, हम चलते घूमते फिरते रहते हैं तो मजे आते हैं, तो हम सोचते हैं लेक्चर कब खत्म होगा, क्योंकि हमारे में पेशेंस नहीं है। और लिसनिंग क्या कहता है? पेशेंस, प्रैक्टिस और विलिंगनेस। क्लियर। डीप रूटेड बिलीफ, मेरा माइंड सेट है कि मैम आप कितना भी पढ़ा लो, पढ़ना तो मैंने वैसे ही नहीं है, मेरा बिलीव है, मेरा लक बहुत अच्छा है, अड़ोसी पड़ोसी मिल जाएगा, चीटिंग करके पास हो ही जाऊंगा मैं। मेरा डीप रूटेड बिलीव है ये कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है,
मैम आप कितना भी पढ़ा लो, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मैं बोल बोल के थक जाऊं, पढ़ लो पेपर आ रहे हैं 12 तारीख को, पढ़ लो पेपर है, सामने वाला कहेगा अरे कोई नहीं पढ़ लूंगा, किस्मत बहुत अच्छी है, जब जब तक 12th पास हो कर सकता हूँ तो CSEET भी पास कर सकता हूँ। तो ये मेरा डीप रूटेड बिलीव है, मैं एक्टिव लिसनर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। रॉबर्ट स्केलर कहते हैं जितना आप अपने दिमाग को खोलेंगे, क्योंकि दिमाग एक पैराशूट होता है, जितना आप इसको ओपन करते हैं उतना आप उसको यूज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनर, क्या कहते हैं? कैप सेलर। क्या कहते हैं? कैप सेलर। है ठीक है जी। क्या बोलता है कैप सेलर? क्या बोलता है कैप सेलर? कैप सेलर क्या बोलता है? क्या बोलता है कैप सेलर? क्या क्या चीजें चाहिए मुझे? मुझे चाहिए कि मुझे बात करना बंद करना पड़ेगा, स्टॉप टॉकिंग, बोलने से ज्यादा सुनना है अगर भगवान चाहते तो, बोलने से ज्यादा। इसीलिए हमें क्या देते? हमें देते 2 जीभ और 1 कान, बट भगवान ने हमें 2 कान और 1 टंग दी है। प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, एकदम काम माइंड से आए, कोई जल्दबाजी नहीं, और सामने वाले की बात सुने, स्पीकर को घूरे ना, स्पीकर को देखे। ठीक है जी। पुट द स्पीकर एट ईज, उसको कंफर्टेबल करें, आसपास की डिस्ट्रैक्शन को हटाए, जो बोला जा रहा है जैसे बोला जा रहा है उस पे ध्यान दे, इम्फेसाइज स्पीकर कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, पेशेंट रहे। अगर स्पीकर 2 मिनट के लिए पॉज भी करता है तो बातें करना शुरू ना करें। ठीक है जी। वेट करें। अपनी इम्पार्शल पर्सनल प्रिजुडाइस को इग्नोर करें, मतलब कि मैं तो कभी भी फीमेल टीचर से नहीं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। लिसन टू द टोन, कैसे बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, शब्दों से ज्यादा किस तरीके से बोला जा रहा है, दोनों को फोकस करना है। लिसन टू आइडिया नॉट जस्ट वर्ड्स, खाली शब्दों पे नहीं, किस लिए बोला गया है, मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, उसने क्यों बोला, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्यों नहीं सोचते, उसने ऐसा बोला, बस वो सोच के बैठ जाते हैं, तो हम एक्टिव से कौन से लिसनर हो जाते हैं? पैसिव। वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे बोला जा रहा है इस पे भी ध्यान देना है। इस इफेक्टिव लिसनिंग स्किल 3 चीजों की बात करती है, क्या क्या? प्रैक्टिस, पेशेंस एंड विलिंगनेस। ठीक है जी। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, क्या क्या दिक्कत है? पहली चीज, आप पढ़ चुके हैं, आपको अपना माइंड क्या करना पड़ेगा? ओपन। आपको दूसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, बता दिया, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे की लाइफ को डिसाइड नहीं करना है, प्री ऑक्यूपेशन, हमें चीजों को कैसे बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, उस पे फोकस करना है, अपने माइंड को क्लोज नहीं करना है, इमोशंस को बीच में नहीं लाना है, याद रखना है जब कोई गुस्सा होता है तो जो भी वो शब्द बोलता है वो सच नहीं होते हैं, और जब वो कोई खुशी में आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है वो भी कभी सच नहीं होते, क्योंकि खुशी में इंसान कुछ भी बोलता है और गुस्से में भी इंसान कुछ भी बोलता है, जब इंसान नॉर्मल सिचुएशन में हो तब उससे बात करिए। ठीक है। नॉइस जो हमारे लिए अनवांटेड साउंड है, फेक अटेंशन, हाँ जी सब समझ आ रहा है, इमोशनली बात करना और एकदम से कंक्लूजन पे जंप करना, ये सब चीज़ें हमारी क्या है? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मतलब मैंने अपना दिमाग ही बंद कर लिया, मैं सुनूंगी ही नहीं, बोलते रहो जितना बोलना है, मेरा तो किस्मत बहुत अच्छी है, पढ़ाते रहो जितना पढ़ाना है,
ठीक है, बताओ इसका वे टू ओवरकम बैरियर्स का शॉर्टकट वो बताओ। सी पेपर, क्या है? सी पेपर, ठीक है जी। कहते हैं कि प्रोवाइड क्लू यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। आपको कैसे एक्टिव लिसनर कहलाना है? जब आप बोलेंगे कि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके सामने वाले को सुन रही हूँ, इमीडिएट फीडबैक दे रहे हो, इसका मतलब आप सुन रहे हो, आप सुनने के लिए पहले से तैयार हो कि हाँ भैया ये लेक्चर तो मुझे बहुत अच्छे से सुनना है। मैं रिवीजन भी एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ऐसा इन्वायरमेंट बनाती हूँ कि मुझे सुनना ही है, ठीक है जी। और ये तीनों चीज़ें कैसे आएंगी आपकी? जब आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड विलिंगनेस। और तीन पी क्या चाहिए होते हैं इसके अंदर? पावरफुल, पर्पस और हो गया पावरफुल, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तीन पी चाहिए होते हैं। चैप्टर फिनिश, ठीक है। चैप्टर नंबर थ्री, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है जी। 2 मिनट का ब्रेक, सेशन बंद नहीं हो रहा है, 2 मिनट ब्रेक ले लो, 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। स्टार्ट करें, हो गया 2 मिनट। बिजनेस के अंदर बातचीत, बिजनेस के अंदर बातचीत, बिजनेस के अंदर बातचीत क्या कहती है कि जब मैं बिजनेस के अंदर बातचीत करूंगी तो मेरे को सामने वाले से इंटरेक्ट करना है। बातचीत दो प्रकार की होती है, एक वो बातचीत जिसमें मैं ऑडियंस को देख के अपना रिएक्शन चेंज कर सकती हूँ, एक वो बातचीत जिसमें मैं ऑडियंस को देखती नहीं हूँ बट उन तक अपनी बात पहुँचाती हूँ। जब मैं ऑडियंस को देख के अपना रिएक्शन चेंज करती हूँ वो होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और उसको बोलते हैं फेवरेबल रिएक्शन। और जब मैं ऑडियंस को देख के रिएक्शन चेंज नहीं करती, नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं अनफेवरेबल। और ये कब होता है? जब हम करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। बिजनेस के अंदर हमें लेटर लिखना चाहिए, और लेटर दो चीज़ों का बात करता है कि आपका रिलेशनशिप, मतलब दोनों पार्टीज का रिलेशनशिप और पर्पस क्या है वो लेटर लिखने का। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पर्सन को फॉर्मली लेटर लिखते हैं तो, या इनफॉर्मली लेटर लिखते हैं, रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस में बातचीत करना।
ये परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड है क्योंकि राइटिंग पे है। इसमें हमें बहुत ध्यान से वर्ड्स और स्टाइल का यूज करना होता है। जब भी हम बिजनेस लेटर की बात करते हैं, बिजनेस लेटर फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है जिसके अंदर लीगल और ऑफिशियल बातचीत होती है। और जब भी लीगल की बात होती है, एक्टिव वर्ब आता है या पैसिव वर्ब आता है? पैसिव वर्ब। कौन सा वर्ब आता है? पैसिव वर्ब। ठीक है जी, जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है चैट पे लिख के बताओ कौन सा वर्ब आता है, एक्टिव वर्ब या चैटिव वर्ब? एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब, जल्दी बोलो। पैसिव। ठीक है जी, कहते हैं इसके अंदर बिजनेस डील, ऑर्डर, क्लेम, डिस्प्यूट, एग्रीमेंट की बात की जाती है। इनफॉर्मल, जब हम कैजुअल बातचीत करते हैं, कैजुअल बातचीत करने में हमारे को मेमोरेंडम, अप्रेजल, इंटरव्यू की बात करते हैं। आज के समय में बिजनेस लेटर बहुत इजीली लिखे जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेटेस्ट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं। बट लेटर लिखते समय हमें 13 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको याद है वो 13 चीज़ें? पहले, सबसे पहले क्या आता है? लेटर हेड। सेकेंड में रेफरेंस नंबर। थर्ड में डेट। फोर्थ में स्पेशल मार्किंग। वेरी गुड। फिर उसके बाद अटेंशन लाइन। उसके बाद सैल्यूटेशन। उसके बाद चैट वाले चैट पे लिखते जाएंगे, मेन बॉडी। वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर सिग्नेचर। फिर हाँ जी, एनक्लोजर्स। ठीक है जी, फिर एनेक्सर। ये 13 चीज़ें लेटर लिखते समय हमें, जब भी मैं लेटर हेड की बात करती हूँ, ये एक प्रिंटेड स्टेशनरी है। ठीक है जी, ये कंपनी को प्रेजेंट करती है। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर कंपनी का लोगो, टैगलाइन, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल, सिन नंबर। अगर एक कंपनी की एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जैसे कि बैंक, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? वो सब भी आपके लेटर हेड में लिखा जाता है। वो सब भी क्या है? आपके लेटर हेड पे लिखा जाता है। लेटर हेड में क्या आता है? कंपनी लोगो, टैगलाइन, नेम, एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस। रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है जी, कब काम आता है? फ्यूचर के लिए। आप चाहें तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं या तो फिर हैंड से भी लिख सकते हैं। डेट। डेट हमेशा फुल लिखनी है, कभी भी शॉर्ट फॉर्म में डेट नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो हर जगह डेट का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है जी, और रेफरेंस नंबर के नीचे, रेफरेंस नंबर के नीचे डेट आती है या फिर एक्सट्रीम राइट पे डेट आती है। स्पेशल मार्किंग, अगर कोई भी आपको मार्किंग देनी है कि ये एयर मेल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर पोर्ट से आया है, तो आप स्पेशल मार्किंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं। क्लियर। और सेम स्पेशल मार्किंग आपकी कहाँ होनी चाहिए? एनवलप पे। इनसाइडी एड्रेस। इनसाइडी एड्रेस जो है स्पेशल मार्किंग के नीचे आता है, और आप इसमें अपना इनसाइडी का एड्रेस सेम एग्जैक्ट कहाँ लिखेंगे? एड्रेस पे। फिर आती है अटेंशन लाइन। जो पर्टिकुलर आपको किसी डिपार्टमेंट को देना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना है, तो आप क्या मेंशन करेंगे? अटेंशन लाइन। सैल्यूटेशन, कैसे आप सामने वाले को विश कर रहे हैं, वो बात करता है सैल्यूटेशन की। एक स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन यूज होनी चाहिए, जैसे कि सर, डियर सर, डियर मिस्टर एक्स या फिर मिस एक्स। ठीक है जी, रिस्पेक्टेड सर नहीं यूज करना है। ठीक है, फिर कहते हैं हेडिंग। लॉन्ग लेटर्स नहीं होने चाहिए, या तो आप कैपिटल में स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड लिखेंगे या फिर पूरी हेडिंग आप कैपिटल में लिखेंगे। ये सैल्यूटेशन के ऊपर या फिर सैल्यूटेशन के नीचे भी आ सकती है। मेन बॉडी,
तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कहता है पर्पस क्या है, दूसरा कहता है लॉजिक फैक्ट्स, और तीसरा कहता है कि मैं कंक्लूजन दूंगा विद पोलाइट राउंडिंग ऑफ के थ्रू, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं फीडबैक। कोई भी थैंकिंग यू करके लेटर खत्म नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज एग्जैक्टली मैच होना चाहिए आपके सैल्यूटेशन से। अगर आप लिख रहे हैं सर तो आप लिखेंगे ट्रूली, अगर आप लिख रहे हैं डियर सर आप लिखेंगे फेथफुली, आप लिख रहे हैं डियर मिस्टर एक्स आप लिखेंगे योर सिंसियरली। और कभी भी योर्स में एपोस्ट्रॉफी नहीं आती, ट्रूली में ई नहीं आता, बट सिंसियरली में ई आता है। सिग्नेटरी, आप तीन चार लाइन छोड़ के बीइंग अ सेंडर आप अपनी सिग्नेचर्स लगाएंगे और उसमें अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन करेंगे। और अपना नाम आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में। आप जो जो चीज़ें सर्कुलेट कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, सर्कुलेटेड मे बी गिवन बाय डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, आप उसको BCC या CC में रखेंगे। फिर लास्ट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का आप एनेक्जर बनाएंगे कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ। क्या क्लियर, इज इट क्लियर? बिजनेस लेटर के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रीविटी होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए और कर्टेसी होनी चाहिए। व्हाट इज द शॉर्टकट, ए बी सी 3S, 3C 3S कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। जब भी हम कोई भी बिजनेस लेटर लिखते हैं हमारे पास पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। बिजनेस लेटर लिखने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है। एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए, कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर होंगी उनकी बात करेंगे। हम जो है सिंसियरिटी से काम करेंगे, हम पर्सनल लेटर और बिजनेस लेटर जो है उस फॉर्मेट से काम करेंगे और राइट ऑन ऑन हिज ओन स्टाइल। कर्टेसी, जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें कभी भी ये तरीका नहीं दिखाना कि हम सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमें हमेशा रिस्पेक्टेड फॉर्म में जो है सामने वाले को लेटर लिख के देना है। स्टाइल, स्टाइल क्या कहता है, स्टाइल कहता है कि हर किसी का लिखने का स्टाइल अलग होता है और जिस तरीके से आप लिखते हैं उस तरीके से आपकी पिक्चर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है गुड बिजनेस लेटर में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेटर करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट, कंप्लीट इन सेंस ऑफ ये आपको पता होना चाहिए, डिटेल, टाइम, लैंग्वेज और फॉर्मेट, चार चीज़ों में लेटर कंप्लीट होना चाहिए। लेटर दो तरीके से होते हैं, या तो ब्लॉक्ड या तो सेमी ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड की जब हम बात करते हैं, हमने किसी को ब्लॉक कर दिया तो हमने उसको छोड़ दिया, तो सब चीज़ें कैसी आ जाएंगी, लेफ्ट मार्जिन में, कैसी आ जाएंगी, लेफ्ट मार्जिन में। तो यहाँ यही लिखा है, डेट, रेफरेंस, सब्जेक्ट, पैराग्राफ, कॉन्क्लूजन, सब कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट मार्जिन में। कोई भी कॉमा यूज नहीं होगा इनसाइड द एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। वेयर इज सेमी ब्लॉक, जब कई बार मन करता है हम उसका ब्लॉक हटा देते हैं, कई बार उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो कहते हैं कि ये राइट और सेंटर में अलाइंड होगा। कहाँ पे, राइट एंड सेंटर में। लेटर कॉन्क्लूजन सिग्नेचर कहाँ पे आएंगे, राइट में, बट सब्जेक्ट और रेफरेंस कहाँ पे आएगी, सेंटर में। इसमें भी आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है इनसाइड द एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, ठीक है जी। आप एक ही फॉर्मेट अपनाएंगे, या तो ब्लॉक या तो सेमी ब्लॉक। कहते हैं कि
दो फॉर्मेट है, बट हमें एक ही फॉर्मेट अपनाना है। और फॉर्मेट अपनाने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि हमारा हमारे क्लाइंट के साथ जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, क्या पर्पस है लिखने का, और क्या ही उसके साथ क्या है रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें फेवर फेवर, लेबर लेबर, सेंटर सेंटर, ये सारे स्पेलिंग सही हैं। हम लेटर में एक ही स्पेलिंग लिखेंगे, अलग अलग स्पेलिंग्स नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट इज बिजनेस मैसेज। जब एक चेयरमैन ऑफ द कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, मैं बोल सकती हूँ स्टेक होल्डर्स को कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो वो किसके थ्रू देता है? बिजनेस मैसेज। बिजनेस मैसेज इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल। बिजनेस मैसेज करने से क्या होते हैं? अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं। बिजनेस मैसेज हमेशा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, सेल्फ सेंटर अप्रोच नहीं होनी चाहिए। कौन सी अप्रोच होनी चाहिए? यू सेंटर्ड। कौन सी होनी चाहिए? यू सेंटर। रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? रीडर के। जब भी हम बिजनेस राइटिंग की बात करते हैं तो हम रिसिपिएंट की बात करते हैं। यू मतलब जिसके से मैं बात कर रही हूँ, मैं उसकी सोच के हिसाब से बिजनेस मैसेज लिखूंगी, अपनी सोच के हिसाब से नहीं लिखूंगी। हमेशा यू पॉइंट, ना कि आई और वी पॉइंट। ठीक है जी, ऐसा क्यों मैम? क्यों अपनाएं हम यू अप्रोच? यू अप्रोच अपनाने से एक तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनता है, सामने वाला सोचता है हमारे हिसाब से बोला जा रहा है, मोटिवेशन मिलता है सामने वाले को पढ़ने से, एक ट्रस्ट बनता है, कई बार कुछ गलत न्यूज़ भी क्या हो जाती है? फेवर में हो जाती है, हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं, और गुडविल में क्या होती है? गुडविल अचीव, मतलब हमारे फर्म की गुडविल अच्छी रहती है। यू एटीट्यूड तीन प्रकार के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड परसुएसिव। पॉजिटिव नेगेटिव एंड परसुएसिव। पॉजिटिव, जब हमारी जो ऑडियंस है वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, उसे सब पता है कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है, जैसे मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन अप्रेजल सारे लेटर्स दे रही हूँ, तो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है जी, इसके अंदर हम डेली रूटीन की बात करते हैं, वेयर एज नेगेटिव के अंदर मुझे पता है कि मुझे उसको बैड न्यूज़ देनी है। जैसे कि मैं एक अमेजोन कंपनी में काम करती हूँ, डिलीवरी लेट हो रही है, एक बैड न्यूज़ है कस्टमर के लिए, मैं उससे इस तरीके से बात करूँगी कि वो मेरी बात समझ जाए। जैसे कि मैं उसको बोलूँगी सॉरी फॉर डिले, और उसको सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, या फिर मैं उसको बोल सकती हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादा दिन लग गए कोई सामान आने में, मैं उसको फ्री में दे दूँ। तो मैंने क्या किया? खुश हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब कई बार कस्टमर तक टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कंपनीज क्या करती हैं कि ये आपको हम एज अ गिफ्ट या फिर कुछ कंपनसेशन में कोई गिफ्ट दे देते हैं। परसुएसिव मैसेज। परसुएसिव मतलब ऑडियंस एकदम नॉर्मल है, उनकी सोच एकदम सही है। ठीक है जी, वो चीज़ों पे बिलीव करती हैं। ये कौन सी ऑडियंस होती है? पॉजिटिव ऑडियंस होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज बिजनेस रिपोर्ट। ये चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरा इज बिजनेस रिपोर्ट, तीसरा इज एमआईएस। ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है जी, बिजनेस रिपोर्ट। रिपोर्ट वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से, और वो क्या है? रिपोर्टरे। रिपोर्ट मतलब री बैक। री बैक मतलब, री का मतलब बैक, पोर्ट्रे का मतलब टू कैरी। ठीक है जी, रिपोर्ट जब हम लिखते हैं, रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो हम उस इवेंट की बात करते हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं है। ये मैसेज बिजनेस के अंदर रिपोर्ट किसको दी जाती है? मैनेजमेंट को। एम्प्लॉय सुपरवाइजर से ट्रांसफर करता है, सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव से, और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट से। रिपोर्ट लिखने से क्या फायदा? एक तो डिसीजन मेकिंग होगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रिपोर्ट हमेशा पुरानी इंफॉर्मेशन से ली जाती है और फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है जी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से ली जाती है, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए।
दो चीजें, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिपोर्ट से क्या फायदा होगा? हम चीजों को इवैल्यूएट कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे और रिव्यू कर पाएंगे। रिपोर्ट बहुत प्रकार की होती है, कंप्लाइंस, फाइनेंशियल पोजीशन, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड, सेल्स, हर चीज की रिपोर्ट बन सकती है। रिपोर्ट हमेशा क्या होती है? रिटर्न वेल ऑर्डर्ड होती है, ऑब्जेक्टिव पता होता है, फैक्ट्स एंड डेटा पे होती है, ठीक है जी। किसके लिए होती है? डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या क्लियर चल रहा है? ठीक है। कंप्लाइंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, सिचुएशनल रिपोर्ट। क्लियर? इफेक्टिव रिपोर्ट, इफेक्टिव रिपोर्ट कहती है कि मुझे नॉट बी रिटन इन इजी फॉर्मेट, ठीक है जी। एससी की तरह नहीं लिखना है आपको रिपोर्ट को, रिपोर्ट को प्रॉपरली मार्किंग के साथ लिखना है। हमेशा हेडिंग और सब हेडिंग के साथ लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि सामने वाला उसको जल्दी, क्लियरली और एफिशिएंटली समझ पाए। वैसे तो रिपोर्ट 1 से 2 पेज की होती है, बट कई बार रिपोर्ट ज़्यादा नंबर की भी होती है, तो आपको क्या बनाना पड़ता है? इंडेक्स। क्या बनाना पड़ता है? इंडेक्स। रिपोर्ट के 4 मेन पार्ट्स, सबसे पहले आप समरी बनाएंगे, उसके बाद पर्पस निकालेंगे, फिर उसकी बॉडी मेंशन करेंगे, मेथड्स को यूज करके चीज़ों को इवैल्यूएट करके, फिर प्रॉपरली आप उसके ब्रीफ देंगे डायग्राम्स और टेबल के थ्रू। कोई भी रिपोर्ट होती है उसमें डायग्राम्स और टेबल्स वगैरह होते हैं, फिर आप रिकमेंडेशन देंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे? कॉन्क्लूजन, ठीक है जी। इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट में ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, यूजर ऑफ रिपोर्ट क्या है, आपका इनपुट क्या है, जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट आएगा, तो उसके बाद डेटा कहाँ से आप कर रहे हो, कैसा प्रोसीजर यूज कर रहे हो और क्या ही उसकी एग्जीक्यूटिव समरी है, ठीक है जी। दो तरह की डिपार्टमेंट के अंदर बातचीत होती है, एक इंटर और एक होती है इंट्रा। बहुत इजी है। इंटर का मतलब होता है जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते थे 11th सेक्शन में, 11th की ABCD आपस में कंपटीशन कर रही है, दिस इज इंटर, ठीक है जी। इंटर स्कूल कंपटीशन होता था स्कूल के अंदर ही, इंट्रा भी अंदर है और इंटर भी अंदर है, बस फर्क क्या है, जब हम स्कूल के अंदर कंपटीशन करते हैं तो हम क्या होते हैं? इंटर। बट जब हमारा कंपटीशन हमारी क्लास के बच्चों के साथ है तो हम क्या है? इंट्रा, ठीक है। जैसे कि मेरा आप लोगों का आपसी कंपटीशन चल रहा है, आप लोग हो इंट्रा, आप लोगों का किसी और के इंस्टीट्यूट के साथ है, क्या वो इंटर होगा? नहीं होगा, वो एक्सटर्नल हो जाएगा। बट आपका इसी इंस्टीट्यूट के दूसरे बैच के साथ कंपटीशन चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? इंटर। इंटर और इंट्रा दोनों विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बस फर्क ये है, इंटर कहती है कि आपस में दूसरे सेक्शंस के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, इंट्रा कहती है कि सेम डिपार्टमेंट के लोग ही, सेम बैच के लोग ही आपस में क्या कर रहे हैं? कंपटीशन, ठीक है जी। ये फॉर्मल अफेयर के लिए होती है, डायरेक्ट ब्रीफ और फंक्शनल के लिए होती है। स्टेट एंड स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट होते हैं, ये एम्प्लॉयज के लिए होती है ताकि उनकी रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बना रहे। बातचीत करने के 3 तरीके, इंटर डिपार्टमेंट के 4 तरीके, ठीक है जी। तो 4 तरीके क्या हैं? 1, 2, 3, 4। सबसे पहले आता है मेमोरेंडम, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस नोट, ठीक है जी। सबको समझ आ रहा है? ठीक है जी। ऑफिस ऑर्डर एंड ऑफिस नोट, यूट्यूब पे भी सबको समझ आ रहा है? आपके जो जो फ्रेंड्स हैं सबको आप बोलेंगे कि यूट्यूब पे क्लास देख लें ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम कहता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिसिप्लिन की। किसकी बात कर रहा हूँ? डिसिप्लिन की। सर्कुलर कहता है
मैं पब्लिक एट लार्ज हूं, बट मेरी जो ऑडियंस है वो क्या है? स्पेसिफिक। ठीक है जी। ऑफिस ऑर्डर, जब एक सीनियर जूनियर को ऑर्डर देता है ट्रांसफर का, तो वो क्या हो गया? ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस नोट, जब आपस में दो डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं, कोई चीज शेयर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑफिस नोट। क्लियर। मेमोरेंडम कहता है डिसिप्लिन की बात। किसकी बात कहता है? डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, क्या डिसिप्लिन है? बिल्कुल है। मैंने बोला मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है, डिसिप्लिन है? बिल्कुल है। मेमोरेंडम कहता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। क्या कहता है? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। इसको फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है इंटर ऑफिस, ऑफिस मेमोरेंडम एंड इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। ये इंटर और इंफ्रा ऑफिस दोनों के लिए है। ठीक है जी। इसके अंदर जब भी आप मेमोरेंडम लिखेंगे, इसका फॉर्मेट लेटर जैसा नहीं होता है। इसमें इनसाइडी एड्रेस एंड नेम आर डन अवे। इसमें कोई सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है। जब हम इनफॉर्मल टोन यूज कर रहे हैं, हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। कौन से? पर्सनल। नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये बिल्कुल भी इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं आप। इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं स्टाफ को, बट पोलाइट और कर्टेसी मैनर में। जैसे कि अगर हम देखें तो ये क्या है? स्पेशल कैजुअल लीव के लिए, परसुइंग पार्ट टाइम डिग्री के लिए, सीट चेंज करने के लिए। ठीक है जी। सर्कुलर कहता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। जैसे 12th के एग्जाम्स कैंसिल हुए, ठीक है जी, सबको पता है, सबको सर्कुलर गया है, क्या लागू सब पे हुआ है? नहीं, पता सबको होता है पर लागू स्पेसिफिक ऑडियंस पे होता है। ऑफिस ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है मेमोरेंडम के, बस फर्क क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम, जब हम ऑफिस मेमोरेंडम की बात करते हैं, जब हम मेमोरेंडम की बात करते हैं हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, और जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो राइट एंड प्रिविलेजेस की बात करते हैं। मेमोरेंडम में आप कैजुअल टोन यूज कर सकते हो, इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं। इसमें आपको फॉर्मल रखना है, और जहाँ फॉर्मल आता है वहाँ पे कौन आता है? पैसिव वर्ब। कौन आता है? पैसिव वर्ब। इसमें कैरी बोल्ड अंडरलाइन कर सकते हो, और कंसर्न पीपल्स को कॉपी आप भेजेंगे। ठीक है जी। जैसे कि ट्रांसफर का लेटर, ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे कि अकाउंट्स, कोई भी ऑर्डर जब हमें दिया जाता है, राइट एंड प्रिविलेजेस जिसमें हमारी अफेक्ट होती है, तो क्या होता है उसमें? ऑर्डर या मेमोरेंडम? ऑर्डर। जब दो डिपार्टमेंट आपस में बात करते हैं स्टाइल और इंडिविजुअल प्रेफरेंस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? नोट्स। उसको क्या बोलते हैं? नोट्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? लास्ट टॉपिक MIS, मैनेज नोट, ऑफिस नोट। जब दो डिपार्टमेंट आपस में कोई बात शेयर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑफिस नोट। ऑफिस ऑर्डर, जब मेरी कोई राइट और प्रिविलेजेस कोई अफेक्ट हो रही है, मैंने तुम्हें ट्रांसफर दे दिया। ठीक है जी। मेमोरेंडम जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जब मैं डिसिप्लिन की बात करती हूँ, मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ऑर्डर है या डिसिप्लिन है? ठीक है। MIS, यहाँ तक सबको सब चीज़ें क्लियर? एनी डाउट, एनी दिक्कत? एनी डाउट, एनी दिक्कत? बोलो। नो दिक्कत।
ठीक है जी। जब हम बात करते हैं MIS की, लीडरशिप एंड डायरेक्शन की, किसकी बात करते हैं? लीडरशिप एंड डायरेक्शन की। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये, क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ सिमिलर लाइक टाइम टेबल, इट इज़ सिमिलर लाइक टाइम टेबल। जब एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन भेजते हैं डिपार्टमेंट को, कहते हैं कि डे टू डे काम करने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना है, जिसको हम बोलते हैं MIS। ठीक है जी। तो MIS जो है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और इसका पर्पस क्या है? ये एक तरह की रिपोर्ट है। क्या है ये? एक तरह की रिपोर्ट फ्यूचर के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, डे टू डे कंट्रोल के लिए है। ये रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए होती है। बेसिकली ये हमारा डाटाबेस मेंटेन करती है। इससे क्या होगा? अगर हम MIS बनाएंगे, MIS पीरियड बेसिस पे बनती है, वीकली, वन डे, मंथली, और इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। इससे क्या होगा? चीज़ें मैन्यूपुलेट नहीं होंगी और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा चीज़ों का। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, क्या फ़ायदा होता है उससे? आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है और आपका टेक्टिकल और ऑपरेशनल प्लानिंग से चीज़ें कंट्रोल में रहती है। आपको पता होता है आपका कितना सिलेबस हो गया, कितना बचा है, कौन सा टॉपिक जो है अभी बहुत हार्ड लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। ये सब चीज़ें कौन कराता है? MIS। कौन कराता है? MIS डिसीजन मेकिंग के काम आता है। किसके काम आता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है मैरी फॉलिट। मैरी कहता है चीज़ों को मैनेज करना, करना कराना नहीं, कि करना कराना, कहता है आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू पीपल। और इसमें आपको इनिशिएट और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा चीज़ों को, कैसे, कौन सी चीज़ को कब इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपको टाइम टेबल बनाना है, जैसे कि MIS बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट आप पहले करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करेंगे, कब करेंगे, ये सब काम किसका होता है? MIS का। इसमें फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इसमें? चाहिए होते हैं। ठीक है जी। ये प्रोसेस जो है, ये बात करती है मॉनेटरी और अदर इंड्यूसमेंट का। मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट कहता है 4 M, कौन कौन से? मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी। क्या मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है? बिल्कुल बनाता है। क्या मैनेजमेंट आपको रिवॉर्ड और मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है? बिल्कुल देता है। अब मुझे बताओ, मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर की बात करता है कि नहीं करता? करता है। ठीक है। एलिमेंट्स, इंफॉर्मेशन, जो भी हमें नॉलेज है हमारे, जब हम उसको मीनिंगफुल चीज़ में करते हैं, नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, यूट्यूब, गूगल, कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है। तो जब हम उसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक किस में, मीनिंग में लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है आपका सिस्टम। सिस्टम जिसके थ्रू हम काम करेंगे। जब भी हम MIS बनाते हैं, जब आप टाइम टेबल बनाते हो, लैपटॉप पे बनाते हो, तो क्या चाहिए? पेन, सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, खर्चा, इंटरनेट। और जब हम हैंड से बनाते हैं, स्टेशनरी। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? सिस्टम। सिस्टम में कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या? प्रोड्यूसिंग इट्स आउटपुट। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट आएगा। आउटपुट तभी अच्छा होगा जब हमारा इनपुट अच्छा होगा। जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर एंड प्रोसीजर। ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन सपोर्ट होता है। क्या होता है ये? फॉर्मल इंफॉर्मेशन सपोर्ट। क्या MIS तीनों लेवल में बनाया जाता है? आंसर इज यस। स्ट्रैटेजिक मतलब टॉप, टेक्टिकल मतलब मिडल, ऑपरेशनल मतलब लोअर। जब टॉप की बात करते हैं, टॉप कहता है कि मैं चीज़ों को मॉनिटर और डायरेक्शन देने के लिए हूँ, और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी हूँ। मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखता हूँ। टॉप क्या देखता है? एक्सटर्नल, जैसे कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब कौन होते हैं? टॉप के। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान की बात करते हैं। ये कोऑर्डिनेट तो करते हैं इंटरनल को, पर इनका मेन फोकस कहाँ रहता है? एक्सटर्नल। ये फ्यूचरिस्टिक एंड एक्सटर्नल होते हैं। इनको फ्यूचर से मतलब होता है। ठीक है जी।
मे नॉट हर समय अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि कभी कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं। इनको एग्जैक्ट कहाँ लेनी चाहिए, इनको समरी चाहिए। इन्हें क्या चाहिए भैया, कितना पैसा बना मुझे बताओ। ठीक है जी, मिडल, जिनको हम कहते हैं टेक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर। ठीक है जी, जब हम क्या करते हैं, मिडल लेवल, सुपरवाइजर लेवल से समान इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये पॉलिसीज वगैरह को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। ये टॉप से बात करते हैं और सुपरवाइजरी से भी बात करते हैं। ठीक है जी, ये इंटरनल इन नेचर है। इनको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूचर बनाने के लिए तो टॉप बैठा है। जो फ्यूचर ने पॉलिसीज बनाई है वो लागू कैसे करेंगी, जब सुपरवाइजर लेवल काम करेगा। सुपरवाइजर लेवल को बताएगा कौन, मिडल लेवल। ठीक है जी, ये रिपोर्ट बना के किसको देते हैं, टॉप लेवल को। किसको देते हैं, सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर कहता है हमें काम करना है, रोजमर्रा का काम कौन करता है, सुपरवाइजर। इनको इनपुट से आउटपुट देने होते हैं, ये होते हैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज। और मिडल और टॉप वाले कौन से होते हैं, वाइट कॉलर। ठीक है जी, ये कहते हैं कि हमें जो है सिंपल साधारण जिंदगी जीनी है। हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जो आप हमें काम देंगे हम वो काम कर लेंगे। ये शॉर्ट रेंज और इन सेलुलर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन मिडल से लेते हैं और इंफॉर्मेशन मिडल को देते हैं। ये रूटीन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनको फ्यूचर से कोई भी मतलब नहीं होता है। क्लियर। व्हाट इज द फुल फॉर्म, शॉर्टकट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ MIS? डबल सी एफ सी एफ मर्ट्स ट्रिप्स। ठीक है जी, सबके पास है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी किसी को कोई दिक्कत, कोई बात? क्लियर। करेक्टरिस्टिक ऑफ MIS। MIS क्या कहता है, कॉम्प्रिहेंसिव। मैं क्या हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव। जैसा इनपुट होगा वैसा ही मैं आउटपुट दूंगा। मैं आपस में कोऑर्डिनेट करता हूँ। ठीक है जी, इधर से उधर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता हूँ। मेरे लिए सब सिस्टम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, सारे एलिमेंट्स भी चाहिए। ठीक है जी, मेरे को इंटीग्रेशन, मैं मिलके काम करूँगा। जैसा डेटा दोगे वैसा ही रिजल्ट निकालूंगा। इंटर रिलेटेड हूँ मैं। ठीक है जी, कंप्यूटराइज प्रोग्राम हूँ। टाइमली कंप्लीट करता हूँ इंफॉर्मेशन को। कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इंटू इंफॉर्मेशन। बहुत जगह से डेटा कलेक्ट करके, नॉलेज कलेक्ट करके मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, इंफॉर्मेशन में। क्या मैं प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा हूँ, इन्हेंस, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम सब काम करता हूँ। मेरे को पता चल जाता है कि ये दिक्कत आने वाली है, मैं उसको चीज़ों को चेंज कर लेता हूँ। मेरा जो स्टाइल है वो यूनिक है, सीनियर लेवल के लिए अलग है, लोअर लेवल के लिए अलग है। ठीक है जी, और मिडल लेवल के लिए अलग है। मैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करता हूँ, फालतू वालतू फातों की बात नहीं करता। मेरा काम है क्वालिटी प्रोवाइड करना एंड फीडबैक देना। और फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं इजीली चीज़ों को मॉडिफाई कर
लेता हूँ। मैं मॉड्यूलर हूँ, मेरे लिए सिस्टम्स चाहिए और मेरे को इजीली डिज़ाइन किया जाता है। मैं सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा करता हूँ। अब जैसे वैक्सीनेशन पूरी दुनिया को लगी है कोविड की, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इतनी वुमेन, इतने मेन, इतने चिल्ड्रन, इनको वैक्सीनेशन लग गई है। क्या पूरा नाम, पूरी जगह? नहीं, ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करता है। ये कंप्यूटराइज्ड है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है जी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज द बैकबोन ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, ठीक है जी। MIS की बेसिक रिक्वायरमेंट, उससे पहले पढ़ते हैं MIS की लिमिटेशंस। MIS की क्या क्या कमियां हैं? MIS जो है, जैसा इनपुट होगा ना वैसा ही आउटपुट देगा। आप ये सोचो कि मैंने इनपुट अच्छा नहीं दिया तो आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो MIS नहीं बना सकता। MIS का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या टाइम टेबल का कोई सब्स्टिट्यूट है? ऐसी MIS का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है जी। MIS जैसे सपोज करो कोई डेटा चेंज करना है, तुरंत हो जाएगा? सोच जैसे हमने सोचा वैसे चेंज हो जाएगा? नहीं, हमें सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, सिस्टम पे बैठना पड़ेगा, तभी हम डेटा चेंज कर पाएंगे, नहीं तो डेटा चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर की बात करता है, क्वालिटेटिव फैक्टर की बात, क्वालिटी की बात नहीं करता ये, अच्छा बुरा, ये नंबर्स की बात करता है, ठीक है। ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग नहीं है। जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रामिंग नहीं होती है वहाँ पे ये काम नहीं करता। उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बार बार चेंज होती है वहाँ पे MIS नहीं आ सकता। उस ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे बातें शेयर ही नहीं की जाती वहाँ पे भी MIS नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम MIS कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। ये रही आपकी लिमिटेशंस। अब आता है इसके रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हार्डवेयर, ठीक है जी। हार्डवेयर के अंदर क्या चाहिए? पांच चीजें। इनपुट, इनपुट से निकलेगा आउटपुट, उसको स्टोर करेंगे सेंट्रल प्रोसेसर और बातचीत करेंगे, ठीक है जी। हार्डवेयर है, काम कैसे करोगे? सॉफ्टवेयर से। कैसे काम करोगे? सॉफ्टवेयर के दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम के अंदर आता है और एक एप्लीकेशन के थ्रू करना पड़ता है। जब हम बहुत सारी नॉलेज को स्टोर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस। और प्रोसीजर, किस तरीके से हम चीज़ों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं और कंप्यूटर को चला रहे हैं, ये प्रोसीजर, कब कब रिकॉर्ड करना है, कब कब चेंज करना है, ये क्या है? प्रोसीजर। और इन चारों कामों को करने के लिए हमें एक पर्सन चाहिए जिसको हम बोलते हैं पर्सनल, ठीक है जी। चैप्टर खत्म, ठीक है, समझ आ गया? सबको समझ आ गया? यूट्यूब पे भी सबको समझ आ गया? ठीक है, अब लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10:30 बजे, ठीक है जी। ठीक है,
कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है जी, कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस, कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस कहता है कि आज के समय में जो है कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है, डिजिटल, डिजिटल हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है। इंटरनेट टुडे 21st सेंचुरी ग्लोबलाइज वर्ल्ड द यूजेस एंड नीड, टुडे 21st सेंचुरी ग्लोबलाइज द यूजेज एंड नीड फॉर 24 आवर अवेलेबिलिटी सिस्टम ऑफ इंटरनेट बढ़ गई है, और बढ़ने के बाद आज के समय में सबके सब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जी, कहते हैं कि प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्या बोलते हैं इसको, वी लुक फॉर आंसर मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, WWW और इंटरनेट ज़्यादातर लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं, पर WWW और इंटरनेट अलग चीज़ होती है। इमेज कंटेंट्स वगैरह सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, WWW, तो इंटरनेट और WWW दोनों अलग टर्म है। कहते हैं WWW जो है वो मीडियम है जहाँ से इंटरनेट यूज होता है, और इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है जी। कहते हैं कि HTTP के थ्रू हम क्या यूज़ करते हैं, WWW, और WWW में हम क्या यूज़ करते हैं, ब्राउजर्स, क्या यूज़ करते हैं, ब्राउजर्स। वी जस्ट वन द वे इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, सबसे पहले आता है इंटरनेट, फिर आता है WWW, फिर आता है ब्राउज़र, जिसको हम बोलते हैं WWW के थ्रू चलने वाला सर्च इंजन, क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। ठीक है जी, इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTML, ठीक है जी। ये गूगल क्रोम, इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन स्टार्ट है, ये होता है एड्रेस, इसी में ही आप आगे टैप करके न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई नया पेज खोला, मैंने खोला इंस्टीट्यूट की साइट, ठीक है, यहाँ पे होम बटन, ये प्रोफाइल, एम्प्लॉय का डेटा, कुछ भी मैंने ओपन करा, ये हो गया बैक बटन, यहाँ पे ये क्या हो गया बैक, ये हो गया फॉरवर्ड बटन, ये हो गया स्टॉप, यही हो गया रिफ्रेश। यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस बार, और यहाँ पे जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड बटन, गोइंग बैक, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन नेक्स्ट पेज के लिए, टैब बटन मल्टीपल वेब, आपको न्यू ब्राउजर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यूआरएल बार, ये होता है एड्रेस बार, ठीक है जी। रीसेंट हिस्ट्री जाने के लिए आप हिस्ट्री पे विजिट कर सकते हैं। रिफ्रेश का मतलब होता है रीलोड बटन, ठीक है जी। स्टॉप, जब हमें इस पेज को स्टॉप करना है, हम देखो रीलोड आ गया, कैंसिल। होम, जो मेन वेबसाइट का पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम, वेबसाइट, याद रखना, ठीक है। सर्च, जब हमें कोई चीज़ यहाँ से सर्च करनी है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें हम अलाउ करते हैं ग्राफ, साउंड, शेयर्स को यूज़ करना। ये कहता है मैं बहुत मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ,
टीसीपी आईपी की बात करता हूँ, मैं हाइपरलिंक हूँ, मैं इंफॉर्मेशन को रन कर रहा हूँ, मैं ई कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करता हूँ, इसको बोलते हैं ई कॉरेस्पॉन्डेंस। इंटरनेट में जब हम बिजनेस में बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको हम बोलते हैं ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है जी। ईमेल जो रिटर्न होता है वर्बल में क्या होता है वो? ईमेल वर्बल होता है नॉन वर्बल होता है? पहला क्वेश्चन। ठीक है जी। मेल बॉक्स के थ्रू होता है। ईमेल के अंदर आप क्या करते हैं? सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं। इंटरनेट 24 घंटे होता है, ईमेल भी 24 घंटे चलता है। ठीक है जी। जब जब आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे आप ईमेल से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट 1999 में आपका ईमेल कनेक्ट हुआ है। कहते हैं कि ईमेल को शॉर्टकट में, इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्टकट में एब्रीवेशन क्या यूज़ करते हैं? ईमेल। आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग अगर बातचीत करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? ईमेल के थ्रू। इट इज़ राइटली सेड नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, वी ह्यूमन आर ऑलवेज फाउंड वे वेन एवर द नीड अरोज। ठीक है जी। ईमेल, ईमेल लाया कौन है? MIT। कौन लेके आया है? 199 का उल्टा 6 और 5। 1965 में MIT लेके आया, और वो क्या लेके आया था? मेल बॉक्स। फादर ऑफ ईमेल कौन है? टॉमलिंसन। कौन है? टॉमलिंसन। कहते हैं इन्होंने सिंबल प्रोवाइड किया @, और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ईमेल। 1965 के बाद 1974 में US मिलिट्री ने ईमेल का इस्तेमाल करा, और नेक्स्ट ईयर इसको क्या नाम दिया गया? बोर फ्रूट। इसके अंदर आप सीक्रेट पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में और आउटबॉक्स मेल कर सकते हैं। ठीक है जी। मैसेज भेजना और मैसेज रिसीव करना। 1976 नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ईमेल की मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, कमर्शियल पैकेजेस प्रोवाइड शुरू हो गए, और इसके अंदर आप ईमेल डाउनलोड करके अपने पर्सनल कंप्यूटर पे आराम से बैठ के मेल कर सकते हैं। और कौन सा आया मार्केटिंग में? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। यहाँ तक क्लियर है? 1965, 1974, 1975, 1976। अब आती है आप कौन कौन से प्रोटोकॉल कब कब यूज़ करते हैं। अब मुझे बताओ चैट पे कि www कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? HTTP। अच्छा, इंटरनेट TCP। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने कि पढ़ा दिया ना TCP IP। ठीक है। और आपका ब्राउजर HTML। सबसे पहले प्रोटोकॉल आया 1972 में, जिस प्रोटोकॉल का नाम क्या था? FTP। कहते हैं FTP का ड्रॉबैक ये था कि हर रिसिपिएंट को, जैसे मैंने आपको मेल भेजनी है, आपको मेल भेजनी है, आपको मेल भेजनी है, सबको अलग अलग मेल क्रिएट करके भेजनी पड़ती थी, जिस वजह से मेरी मेमोरी बहुत ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद आया SMTP। क्या आया? SMTP। SMTP में शुरुआत में तो थोड़ा सा दिक्कत आई, क्योंकि फ्रॉजरी आई, वायरस आने की दिक्कत हुई, बहुत सारे लूप होल्स निकले। उसके बाद टिल डेट इम्प्रूव वर्जन बनता गया, SMTP आज भी चल रहा है। उसके बाद SMTP इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस। POP इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर रिसीविंग मेल। मेल भेजने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? SMTP। उसके बाद रिप्लेस हो गया ना, क्या यूज़ करते हैं? और मेल रिसीव करने के लिए POP। ठीक है जी। दिस प्रोटोकॉल रिट्रीव द मेल्स। ड्रॉबैक क्या था कि हम ऑफलाइन मेल्स नहीं रिसीव कर सकते। आज के समय में ना हम ऑफलाइन मेल भेज सकते हैं, ना ही ऑफलाइन मेल रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी। द डीमेरिट इज नाउ ओवरकम बाय मोर कैपेबल IMAP। ठीक है जी। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें हम
ऑफलाइन मेल भी रिसीव कर सकते हैं, मेल हमारे पास आ जाती है, हम रीड तब करेंगे जब हम ऑनलाइन होंगे, ठीक है। मेल हमारे पास आ जाती है और वो किसके थ्रू आती है, आई मैप, ठीक है। और मेल जाती किसके थ्रू है, SMTP के थ्रू। 1990s में ये फ्री और यूजर फ्रेंडली हो गया था याहू और हॉटमेल के द्वारा, और आज के समय में लोग जीमेल और रेडिफ मेल यूज होते करते हैं। ईमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है जी, HTML के थ्रू काम करता है, ये वेब पेज क्रिएट करता है, इसका शॉर्टकट बताओ। हाँ, क्या है, 4CI passes, ठीक है जी। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या है ये, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये पैकेजेस की बात करता है कि मैं मार्केटिंग में एड्रेस बुक लेके आऊंगा। ये इंटरफेस है, ये अलाउ करता है कट कॉपी पेस्ट, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये स्पैम, स्पैम मतलब कि जो वो मेल जो मैं नहीं चाहती, जैसे कि जंक मेल, इसमें सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं इसमें, और एक जगह से बैठ के, आपको कोई फिक्स जगह नहीं चाहिए, आप कहीं पे भी जाके ईमेल को ऑपरेट कर सकते हैं। ईमेल मेल भेज सकता है, मेल को ड्राफ्ट कर सकता है, स्पैम जिसको हम क्या बोलते हैं, जंक मेल, ट्रैश, ट्रैश मतलब डिलीटेड मेल, मेल्स को बनाना, इस कंपोज्ड मेल, इसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, टू फील्ड, CC एंड BCC, TO मतलब मेन, BC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC मतलब कार्बन कॉपी, ठीक है जी। सब्जेक्ट की बात करता है ये, क्या आपका मेन हेडिंग है, उसकी टेक्स्ट एरिया में आप लिखेंगे और आप सेंड बटन दबा के सबको भेज देंगे, और आपको ग्रुप्स भी बना सकते हो ऑफिस और स्कूल, क्या यहाँ तक क्लियर है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, आज के समय में कंपनीज अपने खुद के तरीके से कम्युनिकेट करती है ताकि वायरस स्पैम ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग से बच सके, ठीक है जी। पर्सनल यूज, जब भी हमें जब भी ईमेल यूज करना है, हमें कुछ गाइडलाइंस ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि हमें एक प्रोफेशनल चीजें लिखनी है, क्योंकि राइटिंग है तो प्रॉपर ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, और किस तरीके से क्लोज कर रहे हैं कर्टेसी के थ्रू, उसकी बात करनी है। हमें इमोशंस नहीं यूज करने, हमें सेपरेट अकाउंट बनाना है। अगर आप सेपरेट नहीं बनाना चाहते तो वहां पे अलग से बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। स्पैमिंग को अवॉइड करना है, अटैच एक लिमिटेड साइज तक ही आप कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड सिग्नेचर बनाने हैं जिसमें नेम, डेजिग्नेशन और फोन नंबर। आप रिस्पॉन्ड करेंगे ईमेल को 24 घंटे के अंदर, ये आपके एटिकेट्स हैं, ठीक है। आपको डेली ईमेल चेक करना है 2 से 3 बार, पुराने मैसेजेस को डिलीट करना है, 2 से 3 बार डेली ईमेल को चेक करना है। कोई ऐसा स्पैम है जो आपको बार बार भेज रहे हैं, उसको अनसब्सक्राइब या फिर ब्लॉक कर दें, और ध्यान रखें आप जब रिप्लाई करें तो रिप्लाई करेंगे या फिर रिप्लाई ऑल। इसके अंदर 2CCBC सबसे लास्ट में फिल होता है, पहले पूरा मेल बनाएंगे और 2BCCC सबसे लास्ट में फिल करेंगे, क्या क्लियर है, ठीक है जी। ईमेल का प्रोटोकॉल क्या होता है, SMTP। ईमेल का प्रोटोकॉल मैसेज भेजने के लिए होता है SMTP, हाँ, और मैसेज रिसीव करने के लिए होता है IMAP। पहले पॉप था, अब IMAP है, ठीक है। ऑल रिमेम्बर दैट ऑल ईमेल थ्रू नॉर्मल चैनल कैन बी इंटरसेप्टेड, ठीक है जी। प्रॉपर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस,
प्रॉपर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, मोस्ट ऑफ अस ईमेल बैक, डील विद द डिफरेंट ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस. हम किस तरीके से सामने वाले को, कीप रीडिंग इफ यू सी बीइंग प्रोफेशनल अबाउट इट और नॉट. आपको डेली अपने ईमेल चेक करने हैं. वर्ड यूज इन ईमेल इज स्मॉल, और इस तरीके से आप यूज करेंगे कि आप जो ईमेल यूज कर रहे हैं, जो भी आप मेल लिख रहे हैं, वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए. ठीक है जी. ईमेल के एटिकेट्स आप बता दो क्या होंगे. सबसे पहले माइंड योर मैनर्स, तमीज से लिखेंगे. ठीक है जी. जिसके लिए भी लिख रहे हैं प्रॉपर मिस्टर मिस सैल्यूटेशन के साथ लिखेंगे. टोन क्या यूज कर रहे हैं, मेरियम वेबस्टर बोलते हैं कि आप अपनी टोन, अपने मूड और इमोशंस को प्रॉपरली यूज करेंगे. जब भी आप ईमेल लिखेंगे छोटा लिखेंगे, पूरी कहानी नहीं लिखेंगे. ठीक है. प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे और इमोशंस का यूज, इमोजीज का यूज नहीं करेंगे. स्पेलिंग और प्रॉपर ग्रामर. टू सबसे लास्ट में फिल करेंगे, बाकी सारे चीजें भरने के बाद. ठीक है जी. सब्जेक्ट सारी डिटेल डालने के बाद आप टू लिखेंगे. ईमेल का फायदा, ईमेल इजी है बातचीत करने में, इजीली बातचीत हो जाती है. ठीक है जी. पेपर कम लगता है. इसका शॉर्टकट क्या था? हाँ जी, मी एफ आई आर. ठीक है जी. एम से क्या है? मैनेजिंग इजी है. ई से क्या है? इजी. ईमेल इज इजी. ठीक है जी. और एफ से क्या है? फास्ट है ईमेल, फटाफट पहुंच जाता है. आई से क्या है? इनएक्सपेंसिव है. आर से क्या है? रिलायबल है. ठीक है जी. कहीं पे भी जा सकता है, टेलीफोन और कॉल से सस्ता है. इसमें हम फिल्टर कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है. सिक्योर और रिलायबल है क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं? पासवर्ड. क्या होते हैं? पासवर्ड. बट टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि रिटर्न मेथड है तो टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है जी. रिटर्न है तो क्या है? टाइम. कई बार सिक्योरिटी आपकी हैक हो जाती है. ईमेल में चीज़ें क्या होती हैं? आपकी हैक हो जाती है. हैकर्स उनको हैक कर लेते हैं. इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए आप ईमेल यूज़ नहीं करते, आप सीधा फ़ोन करते हैं. ये नॉर्मल, आप अपने फ्रेंड को मैसेज करोगे, ईमेल करोगे, व्हाट्सएप करोगे. ठीक है जी. मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी क्रिएट होती है क्योंकि रिटर्न है. रिटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग. इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो कई बार क्या होते हैं? मैनुअल अफेक्ट्स जो कर देते हैं. आप लिखना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला समझ कुछ और. और कई बार हमारी क्या होती है? हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है जिसकी वजह से सब चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ईमेल में रिसीव करे होते हैं वो सब वहीं से डिलीट हो जाते हैं. ठीक है जी. ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेट कनेक्टिविटी पे ईमेल डिपेंड करता है. अब आता है इंट्रानेट. इंट्रानेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनल. ठीक है जी. इंट्रा बढ़ाया था और देखो, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, तीनों समझ लो फिर पढ़ते हैं. इंट्रानेट कहता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉय से बातचीत करने के लिए, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करने के लिए किसी भी लेवल पे किसका यूज करता है? इंट्रानेट का. ठीक है. इसका मतलब प्राइवेट है, किसी के लिए ओपन नहीं है, बाहर के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है. इंट्रानेट लाने के पीछे रीजन होता है पेपर का वर्क कम रहे, जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचे, परमानेंट रिकॉर्ड रहे, चीज़ें क्लियरली टाइम से पहुंच जाए. ठीक है जी. इसके अंदर ऑडियंस लिमिटेड होती है. ठीक है. मुझे, मैं कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मुझे अपने कस्टमर से बात करनी है, सप्लायर से बात करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? मैं करूँगी एक्स्ट्रानेट से. किससे करूँगी? एक्स्ट्रानेट से. ठीक है जी. किससे करूँगी? एक्स्ट्रानेट से. ठीक है. मुझे कुछ भी करना है, सर्फिंग करनी है, कुछ भी करना है, मैं किससे करूँगी? इंटरनेट से. किससे करूँगी? इंटरनेट से. इंट्रानेट में आप सर्फिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको काम करने जाना है वहाँ पे, फेसबुक चलाने नहीं जाओगे आप.
इंट्रा, इंट्रा, हाँ ठीक है, विद इन द इंटरनल, जब आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, एक्सटर्नल पीपल इसको यूज नहीं कर सकते। मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक, ये किसके लिए होता है? इम्प्लॉयज के लिए, न्यूज़लेटर, आर्टिकल, कंपनी ट्रेनिंग, ये कंपनीज के इम्प्लॉयज के लिए होता है। ये कनेक्ट करता है इंटरनेट, किसी को भी कनेक्ट करता है इंटरनेट, सिर्फ वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है। ठीक है जी, इससे क्या होगा? इससे पेपर वर्क कम यूज होगा, आपके इंफॉर्मेशन जल्दी पास होगी। ये सेंट्रल कम्युनिकेशन है, एक मेल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाती है। कल छुट्टी है, दिवाली हॉलिडे, जा जाके बोलते हो, एक मेल सबको भेज देते हो, एक मेल। तो ये क्या है? सेंट्रल कम्युनिकेशन। क्या है ये? सेंट्रल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, इंट्रानेट कम्युनिकेट टू ऑल इम्प्लॉयज, बट एट द सेम टाइम लॉग इन टू इंटरनेट विद सेवरल टाइम ईच डे, इजियर फॉर इम्प्लॉय टू रिमेंबर टू लॉग इन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या फायदा बताओ जी? फायदा क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, समय कम लगेगा, बातचीत अच्छी होगी, चीजें टाइम पे पब्लिश हो जाएंगी, हमारे ऑपरेशन और मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर चीजें लिंक रहेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोलैबोरेशन इनहेंस करेगा, कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ाएगा, इमीडिएट अपडेट दे देगा, और क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? विद इन द कंपनी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा काम तेज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, एम्प्लॉयज के पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, पावरफुल टूल है ये। वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल पे काम करता है, ये टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करता है, ये नॉलेज प्रोवाइड करता है थ्रू वन मीडियम। ठीक है जी, ये कहता है कि मैं डेवलप कर रहा हूँ एप्लीकेशन को और आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट इफेक्टिव हूँ। ठीक है जी, और मेरे साथ क्या होता है? सारे ऑल ऑथराइज यूजर्स हैं जो मेरे टीम वर्क के हैं। ठीक है, सेम टाइम पे इंफॉर्मेशन एक की जगह दूसरे पे पहुंचती है, एक से दूसरा, दूसरे से एक ही कनेक्शन से। ठीक है, लॉ स्पेसिफिकेशन के पैरामीटर के अंदर है, जो जो अपडेट्स हैं हम दे सकते हैं, और ये MIS से लिंक होता है। MIS कंपनी बनाती है ना, तो MIS से लिंक होता है। ये क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या है ये? इंटरनल कम्युनिकेशन। मैम, अब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमें बाहर के लोगों से तो बात करनी पड़ेगी, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, इंटरनेट, कस्टमर, अदर आउटसाइड द बिजनेस पार्ट बनता है, और उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। बिजनेस कैन सेंड प्राइवेट मैसेजेस थ्रू पब्लिक नेटवर्क यूजिंग स्पेशल क्या? इनक्रप्शन, जो सेफगार्ड करती है इंटरनेट को, ताकि हमारे पास वायरस ना आ सके, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा नेट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा नेट। इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में डिफरेंस, इंटरनेट कहती है कनेक्ट डिफरेंट, इंट्रानेट कहती है प्राइवेट फॉर्म्स, इंटरनेट कहती है मल्टीपल यूजेस, इंटरनेट कहती है अनसेफ, इंटरनेट कहती है सेफ, इंटरनेट कहती है मोर नंबर ऑफ विजिटर, इंटरनेट इंटरनेट कहती है पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट कहती है प्राइवेट नेटवर्क। एनी वन कैन एक्सेस इंटरनेट, यहाँ पे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, क्लियर? एक्स्ट्रानेट, जब प्राइवेट नेटवर्क बाहर पब्लिक में किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी इंट्रानेट। ठीक है जी, इट इज डिस्क्राइब एज स्टेट ऑफ माइंड। कहते हैं कंपनीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यूजिंग EDI, शेयर प्रोडक्ट कैटलॉग, होलसेलर और दोज इन ट्रेड, टीम अप अदर कंपनीज ऑन जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंटली डेवलप यूजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्विस प्रोवाइड बाय वन कंपनी और ग्रुप ऑफ अदर, शेयर न्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट।
कहते हैं इंट्रानेट, टूल ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एक्सट्रानेट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स। ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये सिंगल और मैनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों मैनी, कैसे? बाहर के लोगों के लिए इसमें फायरवॉल है, इसमें फायरवॉल के साथ इंटरनेट भी है, ठीक है जी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होती है मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर लिमिटेड नंबर होते हैं और इसके अंदर नंबर्स होते हैं। क्या होता है? डिवाइसेस कंपैटिबल विद इंट्रानेट। ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये प्राइवेट के साथ पब्लिक नेटवर्क है। इंट्रानेट गेट इम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन, ये चेक करती है स्टेटस, डेटा एंड मेल। लिमिटेड कंप्राइज होता है ये एक्सटर्नल वर्जन का और ये होता है इंटरनेट वर्जन का। इंटरनेट सबसे बड़ा, फिर इंट्रानेट, इंट्रानेट से क्या आता है? एक्स्ट्रानेट, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यहाँ पे ओनली मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल मेंबर्स भी लॉग इन कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एंड सम ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। ये इंटरनेट से है, ये इंट्रानेट से है, ठीक है जी। यहाँ पे ख़त्म हो गया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ई कॉरेस्पॉन्डेंस एंड आपका लिसनिंग स्किल, ठीक है। समझ आ गया, रिवीजन सही थी, पढ़ा हुआ थप था। अब आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज़ समझ आ चुकी है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 5:11:05 पे मिलते हैं और नेशनल इनकम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है।